Start the वेलकम टू ओरिया व्लॉग्स। और आज मैं व्लॉगिंग शुरू की हूँ। आज कुछ टाइम अभी ऐसे 8 बजने को जा रहा है और चाय का साथ मेरा व्लॉग शुरू हो गया। और चाय पीने के बाद अभी हम थोड़ा नीचे जा रहे हैं, अपार्टमेंट के नीचे एक राउंड वहाँ लगाएंगे और उसके बाद हम थोड़ा जाएंगे आज का कुछ मार्केटिंग करने। और उसके बाद मैं एक रेसिपी शेयर करूँगी। आज हम शायद मटन लेके आएंगे और लाने के बाद मैं उसका रेसिपी जो है उसको शेयर करूँगी और उसका बाद भी दिखाऊँगी क्या क्या काम आज कर रही हूँ यहाँ। तो ठीक है, चलते हैं आगे। ये मेरा घर से अपार्टमेंट का व्यू है और नीचे टेनिस कोर्ट है और साइड में ऐसे है। और मुझे दूर में जो नारियल का पेड़ दिख रहा है वहाँ एक कैनाल है और उसके साथ ही अटैच्ड है जो रोड जिस जहाँ से हम लोग हाईवे तक जाएंगे। जाते वक्त हमेशा बोलती हूँ कि ये कैनाल जो है घर का साइड में है और दिखता है और हमेशा पानी से भरा रहता है और बहुत अच्छा सुंदर भी लगता है। और अभी हम लोग जाएँगे उसी के साइड में, हम लोग होते हुए जाएँगे हाईवे तक। तो ठीक है, अभी आगे देखते हैं।
साइड में जो सुंदर कैनाल आप देख रहे हैं, उसके साइड में जो रोड है, मैं उसी रोड से जा रही हूँ और कैनाल का व्यू कितना सुंदर लग रहा है देखिए। अभी थोड़ा आगे जाते ही सब कुछ मिल जाएगा, सब्ज़ी, मछली, मटन। तो आज फ्राइडे है तो इसीलिए मटन लेना है थोड़ा, अगर अच्छा मटन होगा तो लेके, तो इसीलिए हम पैदल हम लोग चल के जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मटन वटन लाना हो गया है, सुबह का मॉर्निंग वॉक हो गया और नाश्ता वास्ता सब कुछ हो गया। अभी मैं बाथरूम का अंदर जा रही हूँ और आप समझ ही गए होंगे कि बाथरूम का अंदर क्यों मैं आ रही हूँ, क्योंकि मुझे बाथरूम साफ करना है। आज दोनों बाथरूम मुझे साफ करना है और ये वाला मास्टर बेडरूम बाथरूम काफ़ी बड़ा है, थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसे साफ ही है, साइड वॉल सब साफ ही है, लेकिन फिर भी थोड़ा आज साफ कर लेंगे। उसका बाद हम किचन जाएंगे और किचन भी थोड़ा साफ सुफ करेंगे और उसका बाद हम मटन बनाएंगे और आपसे फिर मिलेंगे। फ्रेंड्स, मैं अभी आ गई हूँ और किचन में नहा के सब काम खत्म करके, बाथरूम साफ, किचन साफ, सब कुछ साफ, अभी मैं मटन का तैयारी करूँगी। सबसे पहले मसाला, तो ये हो गया मसाला। दो प्याज है और चार पांच मिर्ची है, दालचीनी है एक पीस और चार इलायची और चार पांच लौंग है और एक लहसुन है और अदरक एक छोटा पीस है। तो और उसके साथ में ये सूखी जो मसाला, जैसे जीरा, गरम मसाला, मिर्ची और ये सब, जीरा ये सब है, साबुत जीरा और ये गरम मसाला, ये घर का पीसा मसाला, ये धनिया है, एक धनिया, जीरा, ये सब है। तो इसको रेगुलर जैसे हम डालते हैं वैसे डालेंगे, लेकिन पीसने के लिए ये है। इसके साथ में थोड़ा साबुत जीरा अगर हम पीस लेते हैं तो अच्छा फ्लेवर आएगा और ज़्यादा पिसा हुआ भी है, आप चाहे तो दे सकते हैं। तो ये सब हम अच्छा से पीस लेंगे, पीसने का बाद जो पेस्ट बनेगा, बस आप तो जानते ही हैं इसको रेगुलर, अब जैसे बनाते हैं मटन उसको ऐसे बनाएंगे एक ढाबा स्टाइल में। और इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं, इसको जितना सिंपल स्टाइल में मटन बनाएंगे, अगर मटन अच्छा है तो जितना भी सिंपल स्टाइल में बनाएंगे वो बन जाएगा बहुत अच्छा। तो चलिए शुरू अब करेंगे, इसको पीस लेती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, मसाला वगैरह सब तैयार हो गए। अभी मैं आपको ये प्रेशर कुकर एक दिखा रही हूँ, बहुत काम की चीज़ है। ये देखिए, मैंने ये 2300 में ख़रीदा था, बटरफ्लाई का प्रेशर कुकर है, हाल ही में ख़रीदा था और यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छा। ये एक छोटा दिया है उसके साथ और ये एक बड़ा भी दिया है उसके साथ। ये छोटा जो है, आप फ्राई व्राई कुछ बना रहे हैं वो कभी टाइम लगता है थोड़ा, मतलब बॉयल होने में कच्चा ना रह जाए, इसलिए आप कुछ नहीं, आप इसका जो कवर है बहुत अच्छा सिलिकन एक रबर है, इसमें आप इसको निकाल के साफ कर सकते हैं इजीली। आप ये कवर लगा देंगे, लगा के कुछ 5-2 मिनट रखेंगे तो वो बॉयल भी हो जाएगा, फिर उसके बाद आप उसको फ्राई भी कर लेंगे। स्टील का, स्टेनलेस स्टील का है और बहुत अच्छा ये काम देता है। और अभी मैं मटन का करी जो बनाऊंगी, 1/2 kg मटन है तो मैं ये छोटा वाला मैं बनाऊंगी और कवर एक ही है दोनों के लिए। ये जो बड़ा वाला है, मान लीजिए घर में कोई ज़्यादा जन आ रहे हैं और आपको थोड़ा ज़्यादा कुछ बनाना है, दाल, अभी मुझे दाल भी बनाना है, तो ये जो मटन का जो है मैं इसमें बना के रख दूँगी और इसको चढ़ा दूँगी और इसको साफ़ करके, ये जो कवर है मटन का इसको साफ़ करके फिर से इसमें लगा दूँगी और दाल भी बन जाएगी इसमें। तो ऐसे ये दो टाइप का काम कर रहा है, एक ही कवर है, बड़ा छोटा दोनों साइज़ का मुझे मिल गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो उसी को मैं दिखाने के लिए आपको ये निकाली थी। कोई बात नहीं, अभी मैं इसको बना रही हूँ।
तो इसको हम गरम करते हैं और सबसे पहले थोड़ा चॉप्ड प्याज जो है उसको डाल देंगे, उसके बाद मसाला पीस गया है उसको डाल देंगे। वो भूनने के बाद जैसे आप रेगुलर बनाते हैं सब उसका जो पाउडर मसाला जो है जीरा धनिया वनिया वो सब डाल देंगे। बस सब डाल के नमक डाल के हल्दी डाल के इसको प्रेशर लगा देंगे और पानी नहीं देंगे, प्रेशर लगा के ही इसको थोड़ा थोड़ा करके उसको कुक करेंगे और उसको कौशा जैसे बनाएंगे पहले, उसके बाद में पानी देंगे। तो चलिए हम इसको शुरू कर लेते हैं। फाइव ओ क्लॉक होने को जा रहा है और सनसेट भी होने को जा रहा है और देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये टाइम। अभी हम लोग नेशनल हाईवे पर है और बरहमपुर की ओर जा रहे हैं। दो दिन का स्टे था भुवनेश्वर स्मार्ट सिटी में और काफ़ी एंजॉय किए हम लोग वहाँ। उसका भी वीडियोस मैं बनाई हूँ, दिखाऊंगी आपको। और अभी ये नज़ारा तो बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा ऐसे ही चलते हैं शांत होकर और इसको एंजॉय करते हैं।